दोस्तों नमस्कार, बबलू पुणे व्लॉग में आपका स्वागत है। आज जो है घर पे ही है और घर को ने जो है एक नया काम मुझे बता दिया कि भाई बारिश हो रही है, तू कहीं नहीं जा रहा तो तू एक काम कर, आटे की पिसाई कर ले। तो एक बार मैं यहाँ जो है ये अपनी छोटी सी मशीन है, आटा पीसने की चक्की बोलते हैं जिसे, कंचन कंपनी की है ये, 125 HP की। और इसमें जो है आटा बना देंगे, भी गेहूँ है और ये चना मिक्स कर दिया इसमें, देख सकते हैं। और इसका इतना फ़ायदा कि ये मतलब सारा ही जो काम है अपना थोड़ा थोड़ा करके निपटा देती है। एक बार मैं इसका थोड़ी सी सेटिंग बना दूं, फिर पूरी वीडियो दिखाऊंगा आपको। और दोस्तों अब जो है ये चल गई बिल्कुल ठीक ठाक, अभी मैंने सेट कर दी कितना हमें मोटा बारीक करना। ये इसमें यहाँ पे एडजस्टिंग दिया हुआ है, एडजस्टिंग लीवर, जब आप पतली तरफ करोगे तो ये बारीक हो जाएगा और उल्टी तरफ करोगे तो आटा आपका मोटा हो जाएगा। ये इसमें दो सेटिंग है और इसमें कोई खास वो नहीं है। और ये जब हम कभी लाए थे, ये खतौली थोड़ा सा थाने से आगे जो है राइट साइड में जैन वालों के हैं, जैन पारस जैन या ऐसे कुछ जैन हैं, उनके यहाँ से हम लाए थे इसे। और ये 8 या 8.5 हज़ार की आई थी और अपने भैया हैं कुलदीप भैया, उन्होंने इसे दिलवाया था, हमने उन्हीं के घर पर देखी थी, हमें बहुत अच्छी लगी। क्योंकि आप जो है आपने देखा होगा 40-50 किलो का कट्टा, ये वाला जो कट्टा होता है जब पूरा भर जाता है, जब आप इसे पिसाई करवाने ले जाते हो, तो जब आप इसे पिसाई कराने ले जाओगे, कैसा ही मौसम हो अगर आपको पिसाई करानी है तो आपको ये इतना वजन उठा के ले जाना फिर उधर से लाना। और सबसे बड़ी मेरे साथ तो एक समस्या थी, जिस दिन मान लो मैंने काला लोअर पहन लिया उस दिन ही घर के कहते अरे वो चक्की में से कट्टा लइए भैया, तो ये बहुत बड़ी समस्या थी। अब इस समस्या से जो है 2 साल हो गए हमें इसे चलाते चलाते, बिना किसी मेंटेनेंस के चल रही है। और पूजा जो है ऊपर से इसमें कुछ झांक रही है और देख रही है व्लॉग से, मतलब आज पीसना पड़ रहा तो कैसे कर रही है। वैसे ज़्यादातर जो है इसको मम्मी ही पीसती हैं। अभी ओ गुंडे इधर आ जा, अभी जो है अपनी मस्ती में मस्त है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। तो अगर आपको मशीन पसंद आई होगी ये वाली आटा चक्की तो ज़रूर लाइक शेयर करें। और अपने घर के छोटे छोटे काम तो बहुत काम निपटा देती है, पशुओं का जो है रदावा वगैरह भी ये बहुत जल्दी करते हैं। पर इसमें तो जैसा सरसों होगी जो जिसमें तेल निकलता हो वो चीज़ ना इसमें पिसाई करें, नहीं तो इसे कोई दिक्कत नहीं किसी भी चीज़ से। नमस्कार।